ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रह राज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, सूर्य को ग्रह राज कहते हैं। ग्रह राज इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आप सभी जानते हैं, और सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो जातक सूर्य के समान चमकता है। बहुत नेम फेम, प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान, धन दौलत, उच्च पदों की प्राप्ति, खासतौर से राज्य पक्ष में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति होती है। और जातक जहाँ भी जाता है अगर गण्य रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसका पराक्रम बढ़ता है, लोग उसकी बुद्धि का, उसके पराक्रम का लोहा मानते हैं। और अशुभ स्थिति होने कर होने पर इन सब चीज़ों में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अपयश का और अपमानित आपको बार बार होना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो राशि परिवर्तन के बारे में। अब तक आपके ग्रह राज सूर्य जो है अपनी स्वग्रह सिंह राशि में तो आपका संचार कर रहे थे, लेकिन अब 16 सितंबर को रात्रि 1:16 पर यह अपनी मित्र कन्या राशि में तो प्रवेश करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर आपको पहले से मालूम है कि आपकी राशि के ऊपर 37.5 शटन चल रहा है, और यह आपको परेशान कर रहा है। यहाँ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन बनते हैं, कामों में अड़चने, रुकावटें, सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो रही हैं। और 16 को ये जो आपका परिवर्तन सूर्य का होगा, ये आपके अष्टम स्थान में चला जाएगा, और मार्कशेष होकर अष्टम स्थान में जाएगा, तो और भी अशुभ स्थिति बन रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, हम जो देखते हैं वही आपको बताते हैं। अच्छा होता है तो अच्छा बताते हैं, और सही होता है तो सही बताते हैं। अंत में मैं आपको इसके उपाय भी बताऊंगा। अगर वह उपाय आप थोड़ा श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे, छोटे छोटे उपाय, तो निश्चित रूप से आप इन दुष्प्रभावों से बचेंगे। नहीं तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, यह राशि परिवर्तन का। चूंकि यहाँ पर 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि से तो आपके 12वें हो जाएंगे, और आपके लग्नेश भी 12वें हैं तो आपके बृहस्पति, तो ये स्थिति यहाँ पर शारीरिक मानसिक संतुलन आपका बिल्कुल बिगड़ेगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, अपने प्रायों जैसा व्यवहार करेंगे, और हर काम में आपको अड़चन रुकावटें आएंगी। कोई चोट, फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, कोई लॉस, अपमानित होना समाज में तो या घर में, तो आपके थ्रू कोई ऐसा कार्य होना कि जिससे आपको बहुत अच्छा सोचने, अच्छा करने के बाद भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो शारीरिक मानसिक संतुलन, कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता आपकी व्हील तो आपकी वीक हो जाएगी, व्हील पावर आपकी वीक हो जाएगी, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी वीक हो जाएगी। तो बहुत धैर्य और संयम रखिए, और जो उपाय हम बताएंगे उसको श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए, तो निश्चित रूप से 80-90% तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, सुरक्षा प्रदान होगी। तो यह जो राशि परिवर्तन है, यह 16 सितंबर को रात को 1:16 पर, हालांकि मित्र कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन मित्रों यह जो है आपके अष्टम चले गए, और आपकी राशि के ऊपर पहले से 37.5 शटन चल रहा है, शनि वक्री है, और बृहस्पति भी आपके वक्री होकर आपसे 12वें जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति, और यहाँ पर आपके मंगल भी अष्टम है, तो ये स्थिति और भी खराब हो जाती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, और यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक बात यह भी है साथ में, आपकी जो जन्म कुंडली होती है उसका मेन महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी ग्रह की दशांतर दशा बहुत शुभ स्थिति में है तो संभवतः इसके दुष्प्रभाव आपको कम देखने को मिलेंगे, और अगर वहां भी दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, अशुभ है, तो फिर स्थिति आपको संभालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा कठिनाइयों का, परेशानियों का, संघर्षों का सामना करना आपको पड़ सकता है, और आपका बड़ा लॉस, बड़ा नुकसान यहां आपको हो सकता है। निगेटिविटी, नकारात्मकता, कॉन्फिडेंस लूज, अनजाना डर, अनजाना भय, और बुरे बुरे विचार यानी निगेटिव थॉट्स, ये आपके अंदर आ सकती हैं। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं तो आप करते हैं, वहाँ से नुकसान। छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी जो आपके नीचे कर्मचारी कार्य करते हैं, आपके वेलविशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, वो पराया जैसा व्यवहार कर सकते हैं, उनसे कोई धोखा चिटिंग और आपको सहयोग मिलने की संभावना नहीं रहेगी। तो थोड़ा बहुत धैर्य रखने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। परिवार वालों में कोई विरोध, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस, परिवार के किसी व्यक्ति की हानि, वेस्ट एक्सपेंडिचर, पैसे का नुकसान, धन का नुकसान, चाहे बैंक बैलेंस में कमी, तो अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें, किसी भी उत्तेजना से बचें, और खासतौर से अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। यह समय बहुत धैर्य और संयम रखने का है, ज़्यादा समय के लिए नहीं है, थोड़े समय, यह समय स्थायी नहीं, थोड़े समय के बाद फिर ग्रहों का ट्रांजिट होगा, राशि परिवर्तन, तो स्थिति धीरे धीरे आपके अनुकूल आनी शुरू हो जाएगी।
भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का तो आपको निर्णय लेते हैं, यहाँ एक अच्छी चीज़ है कि आपकी माता जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का कोई लाभ आप यहाँ पर आप गेन कर सकते हैं। जब कोई योजना बना रहे हैं तो इसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, मकान की वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है, घर में थोड़े सुख संसाधन बढ़ सकते हैं, आपकी माता जी का आशीर्वाद या कोई फाइनेंशियली हेल्प सपोर्ट आपको, मॉरल सपोर्ट आपको वहाँ पर मिल सकती है और तो आपके थोड़ा आपके सुख संसाधन बढ़ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी टेंशन तो है ही, और साथ में आपको संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी चिंता टेंशन थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ देखने को मिल सकती है, जिससे आप थोड़े चिंतित हो जाएं, उनका कोई विवाह शादी का संबंध खराब होना या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, नौकरी कार्य व्यवसाय में कोई प्रॉब्लम या थोड़े मतभेद डिफरेंसेस, विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन में कमी, एकाग्रता में कमी, कोई प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री मास्टर डिग्री लेने का तो वह योजना कैंसिल हो सकती है, वहाँ कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आपको। और थोड़ा तो शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन फिर भी शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि वहाँ पर अच्छी पड़ेगी, तो इसलिए ये वाला हाउस आपका थोड़ा ठीक रहेगा और वहाँ से आपके सूर्य भी आपके थर्ड हाउस में है तो इसलिए थोड़ी स्थिति आपकी थोड़ी सामान्य बनेगी। तो मतलब थोड़े नौकरी की तरक्की उन्नति के अवसर, आप शत्रुओं से छुटकारा या ऋण रोग की कोई स्थिति है उससे थोड़ा बचेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य संयम रखें। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से आपको स्ट्रगल और संघर्ष अधिक करना पड़ेगा करियर से रिलेटेड, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई तब्दीली कोई चेंजेस करना है कोई नौकरी में कार्य व्यवसाय में तो बिल्कुल मत कीजिए, यह समय बिल्कुल परिवर्तन का नहीं है। अगर इस समय कोई परिवर्तन करने की आप सोच रहे हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, नौकरी या करियर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा समय रुक जाइए, जो जैसा उसको यथावत वैसे चलने दो, उसी में पुरुषार्थ मेहनत अपने प्रयत्न करते रहें, आगे फिर स्थिति जब आपके अनुकूल आएगी तब आप ये कीजिए, नहीं तो अगर आप फिलहाल कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना रहेगी। लाभ की दृष्टि से भी अचानक से आपके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आएगी, अचानक से धन का जो जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आपका धन का आगमन होता है तो वह आपके स्रोत बंद हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन आपके मित्र वर्ग जो हैं खासतौर से एज में बड़े उनसे कोई नुकसान या संबंध खराब आपके हो सकते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो बहुत धैर्य संयम रखने की बात है। अब मैं उपाय की बात आपसे कर लेता हूँ, आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पति पत्नी में आपका मतभेद हो सकता है और ये मतभेद आपके उभर कर घर से बाहर निकल कर आपके कोर्ट कचहरी डिवोर्स तक पहुंच सकते हैं, आपके प्रेम संबंध है तो उसमें डिफरेंसेस आपके मतभेद संबंध विच्छेद हो सकते हैं, कहीं विवाह शादी होने जा रही है तो विवाह संबंध खराब हो सकते हैं, उसमें कोई व्यवधान आ सकते हैं या वह आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं या स्वयं के व्यवसायी हैं तो यहाँ दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल कोई नया कार्य बिल्कुल मत करें पार्टनरशिप में भी, और पार्टनरशिप में भी कोई धोखा वगैरह आपके साथ हो सकता है। ऑल ओवर देखिए तो मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए मैंने बताया, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर दशांतर दशा आपके पक्ष में फेवर में चल रही तो इसके दुष्प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे, और वहाँ भी दशांतर दशा आपके प्रतिकूल है तो वह दुष्प्रभाव बढ़ जाएंगे, इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। तो जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं, शत प्रतिशत परिणाम देखने को मिलते हैं, उससे आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है और छोटे छोटे उपाय करने से घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो उपाय बचता है, देखिए जब सारे घर आपके अगेंस्ट हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, फिर एक उपाय बचता है, सीधा हनुमान जी के शरण में जाएं। और जो उपाय मैं बता जा रहा हूँ अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ उसको करते हैं 10, 12, 15 मिनट आप डेली, तो निश्चित रूप से आप इन दुष्प्रभावों से बच जाएंगे, 80-90% तक आपको सुरक्षा प्रदान होगी। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितने श्रद्धा विश्वास के साथ और कितनी कंटिन्यूटी में करते हैं। ओम गण गणपति नमः 27 टाइम बोलिए और एक हनुमान चालीसा का बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए आप उसको पढ़िए, और उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। जहाँ हनुमान चालीसा समाप्त होती है वहीं संकट मोचन हनुमान अष्टक स्टार्ट होता है, दो पाठ कीजिए। और हनुमान चालीसा के लास्ट में एक दोहा आता है, दो लाइनें, पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसुं सुरभुख, इन दो लाइनों को या तो 27 टाइम या 108 टाइम्स 108 बार बोलिए। 108 बार बोलने में मात्र 6 मिनट आपको लगता है और बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ। और मंगलवार शनिवार को बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन से रहें, काली चींटियों को आप तो प्रतिदिन खिलाते रहें, पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और तो रविवार के दिन एक तांबे का सिक्का ले लें, थोड़ा गुड़ ले लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, उसको आप समुद्र में या आपको बहते पानी में प्रवाहित कर दें। और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं और उनकी आरती करें, और मंगल शनिवार को शुद्धता से प्योरिटी से रहें। तो अगर आप ये श्रद्धा विश्वास के साथ ये थोड़े से उपाय 10-12-15 मिनट के प्रतिदिन करते हैं 24 घंटे में से, तो 12-15 मिनट तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हैं। तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातक इन सब दुष्प्रभावों से बचेंगे
और खास तौर से सूर्य आपकी तो जो आपके सूर्य आपके अष्टम है और मार्केश होकर आपके अष्टम स्थान में चले गए तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। चोट फेट एक्सीडेंट कोई बड़ा नुकसान तो बड़ा नुकसान कोई लॉस हॉस्पिटलाइज होना ये चीज़ें भी क्रिएट हो सकती हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए श्रद्धा विश्वास के साथ तो आप ये उपाय कीजिए, आप जरूर तो आपको सुरक्षा प्रदान होगी। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।